नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रिपोर्टर हेडगांव में आपका स्वागत है। खबरें देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। विधायक संजय शाह पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नजरपुरा में और यात्री प्रतीक्षालय का किया लोकार्पण। साथ ही जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि प्रदीप गौर, विधायक शाह मुख्य मार्गों से होते हुए ग्राम नजरपुरा में विधायक निधि 22 लाख रुपए के निर्माण कार्य की सौगात 22 लाख की लागत से बनेगा मांगलिक भवन, जिसका गुरुवार विधायक शाह ने किया भूमि पूजन। साथ ही जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अनिता प्रदीप गौर, मंडल अध्यक्ष राधेश्याम गौर एवं भाजपा के अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। विधायक शाह ने अपने कर कमलों से मांगलिक भवन का किया भूमि पूजन, साथ ही सरपंच महोदया ने भी किया भूमि पूजन। इसके बाद विधायक शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने पुष्पहार और पगड़ी साल श्रीफल से समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत किया, जहां पर युवा मोर्चा ने जोरदार नारेबाजी की और विधायक शाह का आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हौसला अफजाई की। इसके बाद विधायक सभा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। विकास की कड़ी में एक और कड़ी जुड़ी सामुदायिक भवन और प्रतीक्षालय के माध्यम से। निसंदेह ऐसे ही कड़ी बहुत सारी जुड़ती हैं जब एक बहुत लंबी श्रृंखला विकास की बनकर तैयार हो पाती है, और इन कड़ियों को जोड़ने के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने लोगों का योगदान उसमें रहता है। सिर्फ ये नहीं कि संजय शाह ने वाह वाही ले ली, इसके लिए प्रेरित करने के लिए सबसे पहले अगर किसी को श्रेय जाता है तो आप सब ग्रामीणों को जाता है, हमारे नेताओं को जाता है, स्थानीय नेताओं को, जो लोग बताते हैं कि हमारे गांव में ये आवश्यकता है, ये हमारे क्षेत्र में ये चीज अत्यंत आवश्यक है, इसको करने के लिए हम लोग प्रयास सब लोग मिलकर करते हैं। और हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारी सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब के नेतृत्व में सतत हम ये तीसरी बार का कार्यकाल हम पूरा करने जा रहे हैं। निसंदेह ये सब अगर विकास का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो इस प्रदेश की, इस विधानसभा की, इस क्षेत्र की जनता को जाता है कि उन्होंने एक सही व्यक्ति को, सही पार्टी को चुना और अपने क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश के विकास में भी उन्होंने अपना अहम योगदान और रोल अदा किया। इसके लिए मैं एक बार इस मंच के माध्यम से हमारे नजरपुरा रेडगांव के सभी साथियों का भी मैं दिल से आभार करता हूँ। कई सरकारों को पहले भी आपने चुना, हमारे बुजुर्ग बता देंगे, ये 15 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार को भी चुना था, शायद यही सोच के चुना होगा कि वो हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में अच्छा विकास करेंगे, गंगा बहा देंगे। पर हुआ क्या, वही अंधेरी गली में ले जाके उन्होंने छोड़ दिया, कच्ची सड़कों में हमको गड्ढों में छोड़ दिया, खेतों में हमको जब लाइट की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी, खाद की आवश्यकता थी, तब उसके लिए हमको अभाव जीवन बचाना पड़ा। कई घंटे लाइन में चक्का जाम हुआ करते थे और कई बार तो लाठी चार्ज भी पुलिस करती थी। पर बैठे आप गांव में जब चौपालों में जब बात करते हैं तब आप उनसे पूछ लीजिएगा कि दिग्विजय सिंह की सरकार में जब कांग्रेस का शासन काल हुआ करता था उस वक्त हर चीज, किसी भी चीज को लेकर आप बैठ जाना, बात कर लेना कि सड़क के मुद्दे की बात कर लेना, शिक्षा की बात कर लेना, चाहे खाद पानी सड़क की बात कर लेना, हर मुद्दे में आप जवाब दे सकते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब ने आम जन के लिए, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, व्यापारी हो, चाहे हमारे वनों में निवासरत हमारे वनवासी भाई, हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो,
उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके क्षेत्र के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं आने दी है। और जो आवश्यकता मूलभूत सुविधाएं जो आम मतदाता चाहता है कि अगर सरकार, हाँ यार बच्चे जाते हैं स्कूल, बहुत परेशानी आते हैं, पर अब आप लोग भी देख रहे हो, एक आध हाथ हुई इसमें नहीं, वो जो भी है वो ग्राम पंचायत ही कर पाए, हम लोग की राशि से नहीं नहीं दे सकते, नियम में नहीं, नहीं तो ग्राम पंचायत में पोर्टल में आई मंडी से ही हो सकता है, दूसरा विकल्प आप ही बताओ, योजनाओं में ही शासकीय पैसा लगा सकते हैं, अब इसमें कोई योजना ही सम्मिलित नहीं हो पा रही है, अपनी बात हो रही है, बात कर रही है, जन भागीदारी में ले लो आपको, जनता करो उत्तर जिला पंचायत मिल जाएगा, जनभागीदारी, लेकिन वो जनभागीदारी में पक्के मकान देते भी है, मतलब पक्के काम के लिए, कच्चे काम के लिए उसमें भी नहीं, कच्चे काम के लिए उसमें भी नहीं मिला, वो तो टोटल 100% ही आपका हो जाएगा भैया, समस्या तो घट देगी है तो वो तो गांव वाले की है, कितनी टाली लगेगी, कल भी कार्यक्रम है, कल भी कार्यक्रम है, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, सब लोग यहां से जाने वाले, सर आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ इस संदर्भ में, आज ग्राम नजरपुरा में 20 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का हमने भूमि पूजन किया है और वर्षों से इसकी मांग की जा रही थी, इसलिए आज जो खुशी आप देख रहे हैं ग्रामीणों में वो इसी बात का संकेत है कि वर्षों की मांग आज पूरी हुई है, और इस मंच के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमने जो मांग रखी है वो स्वीकार की, प्रतीक्षालय का भी लोकार्पण किया आज, आज बस स्टैंड की आवश्यकता भी यहाँ पर थी क्योंकि गांव थोड़ा सा अंदर है यहाँ पर, और इसलिए ग्रामीण जन यहाँ पर खुले में इंतजार करते थे, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी जिला पंचायत सदस्य महोदय को, तो उन्होंने उनकी राशि से यहाँ पर राशि स्वीकृत की और एक नवनिर्मित भवन प्रतीक्षालय यहाँ पर बन के तैयार हो गया, उसका भी हमने लोकार्पण किया, धन्यवाद।